नोएडा के एसएसपी अजय पाल शर्मा शुक्रवार देर रात ऑटो में सवार होकर गश्त पर निकल पड़े। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रात भर सादे कपड़ों में एसएसपी अजय कुमार न सिर्फ ये देखते रहे कि कहीं कोई पुलिसकर्मी अवैध वसूली तो नहीं कर रहा, बल्कि इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की भी परीक्षा ली। इसके लिए उन्होंने वायरलेस पर एक संदिग्ध गाड़ी के गुजरने और ऑटो चोरी की सूचना प्रसारित करवाई, जबकि वो खुद उसी ऑटो में सवार थे। और इसी दौरान एक बैरिकेड से गुजरने के दौरान पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन जब उनकी गाड़ी नहीं रुकी तो एक कांस्टेबल दौड़कर आया और एसएसपी अजय पाल शर्मा पर ही अपनी AK-47 तान दी और गाड़ी से उतरने को कहा। इसके बाद एसएसपी अजय पाल शर्मा ऑटो से नीचे उतरे और अपने जवान की मुस्तैदी के लिए प्रशंसा करते हुए PCR-22 को चेकिंग में सजग मिलने पर 500 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले 50 लोगों को कासना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी खुद गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंचे। रात को मेरे द्वारा जो भ्रमण किया गया था क्षेत्र में, उसके आधार पर जो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी, उसी पे छापेमारी करते हुए कुछ जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे लोग पकड़ में आए हैं जो नशे की खरीदोफरोख्त कर रहे थे, और इसी के साथ जो खुले में शराब पीने जिससे कि तमाम लोगों को परेशानी हो रही थी, ऐसे लोगों को भी फिलहाल कस्टडी में लिया गया और कई अन्य जगह पर भी छापेमारी चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो भी इस तरह का अपराध जो हो रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगे।